हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफ स्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं मिक्स सब्जी लेकर आ गई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है और ख़ुद के तरीके से बनाया है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है। बीन्स, आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, मूली, तोरी, सारे सब्जियों को अच्छे से वाश करके मैंने रख लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं। दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। तड़के में मैंने सरसों का यूज़ किया है, आप चाहें तो मेथी या पचफोड़न का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मसाले में मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऑनियन, टमाटर, मस्टर्ड, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें ग्राइंड कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें तड़के को यूज़ करेंगे। चॉप की हुई ऑनियन को इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ऑनियन को मैंने ऐड कर दिया है, बराबर से मिक्स करते हुए इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मोटे स्लाइस में इसे चॉप किया है। टमाटर को भी इसमें ऐड कर देंगे, बराबर से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। यहाँ पे मैंने भिगोया हुआ चना भी यूज किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ऑनियन और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें मसाले को ऐड करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल कच्चा ना रहे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को पुश कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक चम्मच नमक को ऐड करेंगे, आप अपने सब्जी के हिसाब से नमक का कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे बराबर से मिक्स करते हुए मसाले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भून लेंगे। चने को इसी में ऐड कर देंगे ताकि चना अच्छे से गल जाए। चने को गलने में टाइम लगता है और बैंगन की सब्ज़ी बहुत जल्द बन जाती है, इसलिए चने को हम मसाले में डाल के ही भून लेंगे। इसे मैंने खुद के तरीके से बनाया है, कोई अलग से रेसिपी मैंने नहीं ली है। इसमें 3 सीटी आ चुकी है, चना भी गल गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हैं मसाला भून गया है, इसे ओपन करेंगे और 1 मिनट तक और भून लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल कच्चा ना रहे। मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन चुका है, इसमें चॉप की हुई सब्जियों को हम ऐड कर देंगे। बराबर से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। इसमें थोड़े से पानी को ऐड करेंगे और क्लोज लिड करके 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे ओपन कर दिया है मैंने, सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो इस ट्रिक के साथ अगर आप भी सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से सब्ज़ी बनेगी और मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आज की सब्ज़ी मैंने खुद के तरीके से बनाया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।